माय गॉड, ये चक्रा था माता के गुणगान गाने के लिए रखा था या फिर परी के? जहां पर भी जाओ लोग परी परी करना शुरू हो जाते, मेरा दिमाग खराब हो जाता है उसका नाम सुनते ही। ये चक्रा था शैली के मम्मी पापा ने स्पेशली इसलिए रखा था ताकि वो मुझे इंट्रोड्यूस करवा सके सबसे, लेकिन नहीं, परी की बच्ची सारी जगह नाक घुसेड़ देती अपनी। परी 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 परी, हे भगवान, प्लीज हे भगवान, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाओ इसे पीछे छुड़वाने का। दुनिया की सारी टेंशन एक तरफ और बीवियों का रूठ जाना भाई गॉड एक तरफ, बैंड बजाती है बॉस। नहीं भाई, मैंने देखा है तेरी वाली बीवी ना थोड़ी अलग है। ये तो तुम्हें बिल्कुल सही कहा, मेरे वाली अलग तो है, बट जब वो रूठ जाती है ना वो बाकी लड़कियों की तरह ही हो जाती है। नहीं नहीं भाई, मैंने देखा भी अपनी आंखों से, परी को भी गुस्सा आया था और जिस तरह से तू उसकी केयर कर रहा था ना, उसने तुझे खुद आकर सॉरी बोला। इट्स अमेजिंग ब्रो, यहाँ तो यही नहीं पता कि नीति को किस बात पे गुस्सा आ रहा है। आई थिंक वो किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार रही है। हो सकता है, बट शादी के बाद ना ये सब नॉर्मल है। अरे बीवियां ना हस्बैंड के ऊपर ही गुस्सा निकालेंगी, तो बी रेडी। तो बातें छोड़ो, जाके नीति से बात कर। चल बात कर लूं क्या उससे? हाँ ऑफ कोर्स यार, उसका मूड ठीक नहीं है, कहीं कुछ करना दे। एक नीति जैसी है वो कुछ कर तो सकती है, बट तू प्रैक्टिस मैच समझ के खेल ले। अब शादी के बाद थोड़ी आदत तो डालनी पड़ेगी ना। भाई तू मुझे शादी को लेकर डरा रहा है क्या? डरा नहीं रहा, बस मुझे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जाके बात करना उससे, ढूंढ कहाँ है नीति। बुरी नीति, भगवान जी क्यों आप मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो? मैं इस परी को अपने आंखों के सामने देखना भी नहीं चाहती, और आप हैं कि हर बार इसे मेरे सामने खड़ा कर देते हो। कुछ करो इसका भगवान जी। आओ तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। एक सेकंड नीति, थैंक यू भगवान जी, क्या आइडिया दिया है आपने, इस बार कोई गलती नहीं होगी। अरे वाह क्या बात है चंद्रिका, प्रसाद की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में, है ना? क्या वो बहन जी आप कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ जी, वो ड्राई फ्रूट्स नहीं दिख रहे कहीं। ये रहे ड्राई फ्रूट, यहीं पे तो रखे थे। चंद्रिका तू जल्दी से परी के लिए खाना ले जा, कभी से काम कर रही हो, डेकोरेशन कर रही हो, कितनी थक गई होगी। ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, ऐसे समय पे ना बेटा ज्यादा समय तक भूखे नहीं रहते, थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ तो खाते रहना चाहिए। क्या हुआ चंद्रिका, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मम्मी बहन जी ने मुझे सब बता दिया है कि परी प्रेग्नेंट है। भाई जी है ही ऐसी, हम सबकी बहुत केयर करती है, माँ से बढ़कर है हमारे लिए। अब चल तारीफ के पुल बांधना बंद कर और खाना ले जा उसके। परी चल खाना खा ले। अब नहीं दी, मेरा ना बिल्कुल भी बन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। परी यार तू, नीति तू ही समझाना परी को। हाले कुछ नीति यार, मुझे सच में अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। मैं खा लूंगी क्या होता है भाभी, मुझे दो खाना तो खाना पड़ेगा, फिर चाहे प्यार से खाओ या गुस्से से। अरे लेकिन चलो 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 चलो, एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। राशिद मेरी बात तो सुनो, अभी थोड़ा काम बाकी है, सच में मेरा कुछ भी मन नहीं है खाने का, मैं बाद में आराम से खा लूंगी। मेरा सच में मन नहीं है। क्या हुआ, इसमें स्माइल करने वाली कौन सी बात थी? मैंने सिर्फ आज तक लोगों के मुंह से सुना था कि औरतों के साथ ऐसा होता है, बट आज देख भी लिया। क्या देख लिया तुमने? मूड स्विंग्स, और ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है,
वैसे एक और चीज भी देखी मैंने आज। अब क्या देख लिया? तुम्हारा गुस्सा। मैंने कब गुस्सा किया? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझ पे गुस्सा किया था। मैंने और तुम पे गुस्सा? कब? जब मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आया था। नहीं, वो मैंने गुस्सा नहीं किया था। मैंने तुम्हें सॉरी भी तो बोला था ना फिर। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी? सॉरी, मुझे तुम पे सच में गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो पता नहीं। अरे मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। ये सब नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, दैट्स नॉर्मल। रिलैक्स। चलो फटाफट से मुंह खोलो और एक गर्मा गर्म खाना खाओ। परी मेरी बात सुनो। देखो जब हस्बैंड वाइफ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, फिर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं। और तुमने मुझ पे थोड़ा गुस्सा किया था। तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में ही था क्योंकि तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे थे। सो रिलैक्स। बस बस बस, अभी तुम भी खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, भूख तो मुझे भी नहीं है, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, बट बेबी को तो खाने दो। अगर बेबी को खाना नहीं मिलेगा तो बेबी तुम्हें परेशान करेगा। क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। बोलो ना। पता है राजीव, जब तुम मेरे पास होके भी मेरे नहीं थे, तुम्हें दूर से देख के ही खुश थी मैं। अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी मुझे, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में मेरे हमसफर बन गए हो ना, जब से तुम मेरा इतना ख्याल रखने लगे हो, तब से ना मुझे बहुत डर लगने लगा है। किस बात का डर? तुम्हें खोने का डर। हर वक्त बस ऐसे लगता है जैसे कहीं पहले की तरह तुम्हें पाके फिर ना खो दूं मैं। मेरा खाना हो गया, मैं माता की चौकी की तरफ जा रही हूँ। मेरा जवाब तो सुन लेती परी। आज परी का काम तमाम, बस टाइमिंग सही हो, परी इसके नीचे हो और बस। अरे मैम, आप यहाँ क्या कर रही है? अब यहाँ क्या कर रही हूँ, मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ काम है? नहीं मैम, एक्चुअली आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। मेरा होने वाला ससुराल है ये, तो यहाँ की हर चीज देखना मेरा हक है। आपको कोई काम है क्या? जाइए आप यहाँ से। लेकिन मैम, मैंने कहा ना जाइए। मैम एक्चुअली यहाँ पे मेरी जासूसी कर रहे हैं क्या? नहीं मैम, आप शायद गलत समझ रही है। मेरे कहने का मतलब कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्यों रहना ठीक नहीं है? कुछ प्लान तो नहीं कर रहे हो आप, जितना फोर्स से मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? नहीं नहीं, सॉरी मैम। भाभी। हाँ? वो भजन और गीत गाने वाली जो औरतें हैं ना, बस अभी आती होंगी, 2 मिनट में पहुंच जाएंगी। 2 मिनट में? हाँ, मुझे वो मंजू का कॉल आया था। मंजू ने बोला हम लोग बल्ली के शॉप पर पहुंच गए, बस वहाँ से तो 2 ही मिनट का रास्ता है, अभी पहुँचने ही वाली होंगी। अब जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे मैं तो तैयार हूँ, बाकी लोगों को बुला लो। सब यही है, आप चलो। अरे हाँ चलो। फाइनली डेकोरेशन कंप्लीट हो गया, सब कितने अच्छे से मैनेज हो गया ना। अब कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है। और पता है, ये सब परी ने किया है, उसने अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ मैनेज किया। वाह, सब कुछ टाइम पे हो गया, नहीं तो मुझे तो टेंशन हो गई थी, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। हाँ।
आइए बाजवा साहब, हम आपका वेट कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं, आइए 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 आइए, आप खुश हो, आइए आइए आइए। हाँ बेटा, अरे लंदन में भी ट्रैफिक की समस्या तो ऐसी। संजू किधर है? संजू भाई, तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या बात करनी भाई? मुझे लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ है, क्या कर दिया तूने? नीति कुछ और सा बिहेव कर रही है। और सा बिहेव कर रही मतलब? मैं जब नीति से पहली बार मिला था, उसके बाद से जब से मिल रहा हूँ अच्छे से बात करते हूँ, बहुत कूल है। बट आज उसने कुछ कहा तुझसे या तूने? नहीं यार, कुछ तो बात है, उसके चेहरे पे शादी वाली फीलिंग ही नहीं है। अरे यार इतनी छोटी सी बात यार, लड़कियां ना छुपी रुस्तम होती, जो फीलिंग्स उनके दिल में होती है ना वो चेहरे पे नहीं आने देती। एग्री संजू, बट मैं भी लंदन में रहा हूँ, काम के सिलसिले में काफी लड़कियों से इंटरेक्शन हुआ है मेरा, मैं भी लड़कियों की फीलिंग समझता हूँ भाई। कुछ नहीं समझता यार शैली, तू कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है, और तू इतनी आसानी से नहीं कह सकता है कि नीति का मूड ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। अरे रिलैक्स कर यार, क्यों परेशान हो रहा है इतना? देख एक बात समझ ले ध्यान से, लड़कियां हमें महसूस करवाती हैं कि हम उन्हें समझने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भाई। एक दो तरीके की लड़कियां होती है, पहली जैसी दिखती है वैसी होती है, और दूसरी जैसी दिखती है वैसी होती ही नहीं है यार। पहले ये बता कि तू कितनी शादी कर चुका है? आई थिंक कम से कम 2-3 शादी के बाद ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि जैसी लड़की होती है वो वैसी दिखती है, और जैसी नहीं होती वो वैसी। क्या लॉजिक है इसका? एक से मेरी बात सुन ध्यान से, तो ये स्टार्टिंग से अपनी शादी की कहानी सुनो। संजू बेटा जरा मेरे साथ इधर आना, एक मिनट है बेटा। जी बेबे। पता नहीं गुरिंदर को क्या हो गया है, एकदम अजीब सी बातें कर रही है। अजीब सी बातें मतलब? देख वहाँ पर ना कुछ औरतें बैठी हुई हैं, वो लोग परी की तारीफ कर रही हैं, क्योंकि शैली की माँ और मिसेस मेरा उन्हें ना वो लोग तारीफ कर रही थी उसकी। तो पता नहीं क्या हो गया, आज पहली बार मैंने उसके मुंह से सुना कि परी उसकी बहू है। शैली मैं 5 मिनट में आता हूँ। अरे जल्दी आना यार। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी, मेरी बहू बहुत ही सुंदर और गुणी है, संस्कारी भी। थैंक यू माता रानी, गुरिंदर को एहसास तो हुआ कि परी उसकी बहू है। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं ये बकवास। नीति आओ बेटा। आज आप लोगों को पता है शैली, जब उसने नीति के साथ शादी करने का डिसीजन लिया मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पापा भी बहुत खुश हैं। उन्होंने बोला पहली बार समझदारी का काम किया है इसने, और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। माता रानी थैंक यू सो मच मेरी नीति को इतना अच्छा ससुराल देने के लिए। शारदा जी चलिए जगराते की तैयारी करते हैं। हाँ अरे हाँ सॉरी, मैं ना चुनरिया लेके आती हूँ। हाँ 2 मिनट। अब सो सॉरी, लाल चुनरी मुझे सिर्फ एक ही मार्केट में मिली, सो प्लीज मैनेज। संजू हो गई पूजा, बस हो गई। आई मुझे लाल। तुम्हें वो लाल वाली चुनरी चाहिए थी ना? हाँ, जब से तुमने मुझे कहा है ना कि मुझ पे लाल बहुत अच्छा लगता है, मुझे हर चीज लाल पसंद है। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो चलते। अरे 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 वो देखिए वो देखिए क्या है वहाँ? कबूतर से उड़ गए। ये चुनरी कहाँ गई? चुनरी तो मुझे मिल गई। हम लोग को चाहिए थी, हम लोग तो ये रही ना, बहुत सारी है देखो, ग्रीन येलो बहुत सारे कलर है, अभी तो यही है, ये ले लो। आप मुझे ये लाल वाली चुन्नी दे सकती हैं क्या प्लीज? देखिए चुन्नी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है ले लो। थैंक यू सो मच।
बहुत सुंदर लग रही हो तुम। क्या हुआ, कुछ कहना है? तुम हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स। अगर मैं नाराज हो गई तो तब भी इतना ही प्यार करोगे? अगर तुम नाराज हो गई तो तुम्हें प्यार से मना लूंगा, अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो तुम्हें ऐसे लाल चुने दूंगा। तुम समझ जाना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अच्छा, तो मानो कि अगर हम कभी अलग हो गए तो? कैसी बातें कर रहे हो तुम, हम क्यों अलग होंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, संजू एंड नीति आर फॉरएवर। हाँ, बट इसे सोच के देखो ना, अगर हम कभी अलग हो गए तो? मुझे नहीं सोचना है। संजू यार, वैसे ही सोचो ना, तो क्या करोगे? अगर हम अलग हो गए, जो कि हम अलग नहीं होंगे, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे इलाज चुने लेकर आऊंगा, तो तुम समझ जाना कि मैं फिर से तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। खेल निराला, जिस पे नजर ये डाला उसको दीवाना कर गया। इश्क न दिल भटकाया, दुनिया से बैर कराया, सबसे बेगाना कर गया। मैं वो चरणामृत लेकर आती हूँ। अरे, आप कहाँ जा रहे हो? पूजा शुरू होने वाली है। अरे, इन्हें क्या हो गया? मुझे राजीव जैसे पति दिए, जो मुझे खुश रखने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। थैंक यू।